गाइस, मैं खुशी और आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। कोरोना वायरस का अभी दोबारा से हमारे पास एक नया अपडेट आया है जिसको जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 15 की मौत हो चुकी है और उस दौरान ही अभी नए केसेस आए हैं 633। चलिए जानते हैं क्या है आज की अपडेट कोरोना वायरस को लेके। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस का कहर जो इतना ही ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है, उसके जरिए ही अभी 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया है और अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो जरूरत का सामान है वो भी नहीं मिल पा रहा है। पर सरकार ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश कर रही है, उन तक जरूरत का सामान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और अभी नई अपडेट ये आई है कि लॉकडाउन के बाद भी ये जो संख्या है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये संख्या 600 से भी पार जा चुकी है और 15 लोगों की मौत हो चुकी है। गाइस, घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन में रहिए, जो जरूरत का सामान है बस एक ही आदमी लेके आए। और उस दौरान जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो कोरोना वायरस है उसके जो अगर आपके हाथ में लगा तो वहीं पर रुका रहेगा, कहीं और नहीं जाएगा। बस अगर आप बाहर गए हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने कहीं हाथ भी लगाया है तो आपको सबसे पहले आके घर पे हाथ धोना है और आपको कहीं पर भी हाथ नहीं लगाना, ना तो आपके मुंह पे हाथ लगाना है, ना तो आपके नाक पे हाथ लगाना है, ना तो आपके आंख पे और ना तो आपके कान पे, क्योंकि ये जानलेवा है और इतनी संख्या बढ़ रही है कि जो लोग मर रहे हैं आपका ध्यान आप ही रख सकते हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।